तो ये बात हो गई जीएसटी की, जहां पर अंतिम स्लैब को बढ़ाने की बात है, लेकिन एक और चीज है जो चिंता बढ़ाती जा रही है, वो है प्याज इस बार 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकता है, क्योंकि इस वक्त भाव 175-165 रुपए इसके बीच में आ गया है और राहत के आसार 20 जनवरी तक नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में छोटे रेस्टोरेंट और ढाबों को अपनी रेसिपी और मेन्यू बदलना पड़ रहा है। दिल्ली और मुंबई से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्याज की बढ़ती कीमत का एक असर यह हुआ है कि हमारी थाली में प्याज की जगह अब मूली आ रही है। अधिकतर ढाबे रेस्टोरेंट आपको सैलेड में प्याज की जगह मूली दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी अब ये संभव नहीं है कि वो महंगे प्याज को हर थाली में दे सके। और यही असर यहाँ पे जो बाकी लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं, सर टेस्ट ही रहा, बिना प्याज के टेस्ट का है। प्याज के नहीं होने से बहुत सी प्रिपरेशन ऐसी हैं जो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती। प्याज ने आंसू सिर्फ खाने वालों के ही नहीं निकाले हैं, बेलगाम कीमतों के मारे दुकानदार भी हैं जो प्याज से तौबा कर टमाटर मूली का इस्तेमाल करने लगे हैं। इस वक्त हम सरोजनी नगर की मशहूर राजमा चावल की दुकान पे हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सब्जी बनाने के लिए यहाँ टमाटर का इस्तेमाल हो रहा है, प्याज का नहीं। सर ये बताइए कि क्या प्याज का इस्तेमाल आपने कम कर दिया है? बिल्कुल बंद ही कर दिया है जी। ऐसा क्यों किया आपने? बहुत महंगा हो गया इसलिए जी। तो अभी जब लोग आपसे सलाद मांगते हैं, प्याज मांगते हैं, तो क्या कहते हैं आप? उसे सिर्फ मूली देते हैं, प्याज तो है नहीं जी, लाते ही नहीं प्याज। दिल्ली में प्याज की रियलिटी चेक में हम पहुंचे सरोजनी नगर के मशहूर पकौड़े की दुकान पर। यहां अभी तो 14 रुपए में प्याज पकौड़े मिल रहे हैं, लेकिन कब तक ऐसा चलेगा ये वो भी नहीं जानते। प्याज के बिगड़े भाव ने उनका बजट भी बिगाड़ दिया है। हम कम प्रॉफिट कमाएंगे लेकिन कस्टमर को क्वालिटी तो देनी है। लेकिन अभी भी आप प्याज पकौड़े दे रहे हैं 14 रुपए में? हाँ जी बिल्कुल दे रहे हैं जी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर ज्यादा नुकसान होगा, तो रेट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है नॉन वेज खाने की दुकानों को। भाव बढ़ने से मुगलई से भी प्याज गायब है। थोड़ा बहुत डिफरेंट हुआ है, बट वही सैलेड में प्याज नहीं चल पाती, इससे सेल काफी डाउन। बड़े रेस्टोरेंट्स फिलहाल नुकसान खुद उठा रहे हैं। हमारी कॉस्टिंग 40-45% बढ़ चुकी है, तो उस वजह से वो सारा बाहर रेस्टोरेंट के ऊपर आ रहा है सर, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमारे लिए सर। छोटे रेस्टोरेंट तो अपनी रेसिपी में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन बड़े रेस्टोरेंट्स के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। उन्हें तो अपने खाने में प्याज डालना ही होगा, लेकिन इसकी वजह से उन्हें कम से कम 20-25 हजार रुपयों का नुकसान हर महीने हो रहा है। ये तो बात दिल्ली की थी, मुंबई में क्या हाल है जानते हैं हमारी संवाददाता सिल्की से। प्याज की कीमतें सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, यहाँ मुंबई में भी लोगों को महंगाई के आंसू रुला रही है। अब तक बाहर खाने पीने की चीजों पर इसका असर देखने को नहीं मिला है, पर होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन का ऐसा मानना है कि प्याज की कीमतें अगर इसी तरह बेलगाम बढ़ती रही तो जल्द ही उन्हें अपने मेनू कार्ड में भी कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। प्याज की कीमतें कम नहीं होती तो निश्चित ही हमारे सर्वाइवल की भी बात आती है, तो निश्चित ही तब हम बढ़ोतरी करने का सोचेंगे। 50 रुपए वाली चीज अगर 150 रुपए हो गई तो एटलीस्ट यू हैव टू इंक्रीज योर प्राइसेस बाय 25-30%। महाराष्ट्र में भी ज्यादा बारिश ने प्याज की पैदावार खराब कर दी है, पुराना स्टॉक खत्म हो रहा है, नई फसल की सप्लाई मुश्किल हो रही है। आज तक मुंबई शहर में जो भी प्याज पूरी हुई, जितना भी दिया गया, वो प्याज जूना पुराना जो पहले वाला प्याज जमा करके रखा था किसानों ने, भाव बढ़ने के बाद वो भी स्टेप बाय स्टेप खत्म हो चुका है। प्याज ने पहले ही घर के खाने का जायका बिगाड़ रखा है, आने वाले दिनों में होटल और रेस्टोरेंट में खाना भी महंगा हो जाएगा। सिल्की सिंह, मुंबई। तो ऐसे में प्याज को थोड़े दिन भूल जाए तो ही बेहतर है। जैसा हमने शुरुआत में कहा कि जनवरी तक की अब किसी राहत की उम्मीद है और प्याज के भाव और ऊपर जा सकते हैं, देखना होगा किस हद तक। और नया प्याज अगर आता है और अगर जो निर्यात वाला प्याज है, आयात वाला प्याज है, माफ कीजिए, उससे कितना फर्क पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में लेंगे आपसे इजाजत। हाँ, खबरों पर लगातार अपडेट आपको मिलता रहेगा, बस जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए भी। नमस्कार।